सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। वो 82 साल के थे। उन्होंने आज सुबह 8:15 पर अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते कुछ दिन पहले मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत लगातार नाजुक बनी हुई थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सैफई एवं प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री, सभी दलवासियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सैफई एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री, सभी दलवासियों ने निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। अखिलेश यादव पिता के मृतक शरीर को लेकर गृह जनपद सैफई अंतिम संस्कार की जा रही तैयारियां, सभी नेताजी के निधन पर सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंखें नम है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में नेताजी का इलाज हो रहा था। ज्यादा तबियत बिगड़ जाने से कई दिनों में आईसीयू में भर्ती थे। कानपुर मुलायम सिंह यादव का निधन। सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया है। वो 82 वर्ष के थे। उन्होंने आज सुबह 8:15 पर अंतिम सांस ली। मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते कुछ दिन पहले मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को अस्पताल में सैफई ले जाया गया, जहां कल दोपहर 3 बजे सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज जिलाधिकारी अवनीश राय ने कहा कि सूचना मिली है कि नेताजी का अंतिम संस्कार सैफई में किया जाएगा। प्राथमिक व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार का समय दोपहर कल का दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर बिहार सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। लाइव टीवी समाचार से नफीस खान की खास रिपोर्ट। कभी नेताजी के साथ आपका उठना बैठना हुआ हो, आज वो दिवंगत आत्मा हमारे बीच नहीं है, किस तरह के अनुभव साझा करते हैं? देखिए, आज बहुत ही दुख का क्षण है और इस दुख के क्षण में जैसे आपने प्रश्न किया है कि ये बहुत पुरानी बात है। हमारी ननिहाल सिरसागंज विधानसभा के गांव सरसोली में है, तो उन्होंने वहाँ पर एक पुल का उद्घाटन किया था, जो नदी पर पुल बनाया था, उनके मुख्यमंत्री काल में बना था। उस टाइम मेरी उनसे 5 मिनट वार्ता हुई थी हेलीपैड पर, तो वो स्मरण मुझे आज भी याद है। और उनके बताए हुए चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप बहुत देर से परेशान हैं मुझसे बात करने का, तो उन्होंने मुझे दूर से बुलाया भी था। मैंने कई बार सिक्योरिटी से निवेदन किया कि मेरी नेताजी से बात थोड़ी करनी है, तो मैंने उनसे यही पूछा था नेताजी से कि आप जो है पिछड़ों के लिए और दलित समाज के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा अगर टेक्नोलॉजी का समावेश हो जाए इन चीज़ों में जो वर्तमान में चल रही हैं, तो क्योंकि वो आर्ट साइड से थे नेताजी, तो उन्होंने बड़ा ही सरल जवाब दिया था जो मुझे आज भी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि देखिए, चाहे आर्ट साइड हो चाहे साइंस साइड हो, हमें हर युवा को आगे बढ़ाना है। अब जिम्मेदारी क्योंकि आपकी बनती है, आप साइंस साइड से हैं, तो ये जो पुल का जो निर्माण है, इसकी हमने जो आज आधारशिला रखी है, जब तक ये बन नहीं जाता, इसकी डे टू डे आपको रिपोर्ट जो है हमारे जो मुख्यमंत्री जो ऑफिस है, सीएमओ ऑफिस बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उसको भेजनी है। और अंत में मैं फिर आपसे यही करूँगा कि इसमें जो भी गुणवत्ता में कमी रह गई वो आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर ये पुल में कोई भी खामी रह जाती है। तो उनके जो जवाब थे आज भी मुझे अपने जीवन में तकनीकी क्षेत्र में भी स्मरणीय रहते हैं, कि न उस क्षेत्र के होने के बावजूद उनकी वाक्पटुता और उनके विचार और उनकी दूरदर्शिता इतनी अच्छी थी। और ये कहिए कि उन्होंने जो एक समाज को गांव से निकल के और एक जो शहर की तरफ ले जाने का एक मार्ग दिखाने का, उनके मार्ग प्रशस्त करने का जो उन्होंने हम लोगों को सपना दिखाया और फिर साकार भी कराया और बताया कि एक निम्न परिवार से एक व्यक्ति निकल के मुख्यमंत्री बन सकता है और कोई भी गरीब परिवार से निकल के बड़ा कार्य भी कर सकता है, उनकी जो मेमोरी पावर, जैसे मैंने पहले अपने संवाद में कहा, वो उनकी कार्य करने की क्षमता, लोग कहते हैं कि वो 17 घंटे कार्य किया करते थे और निरंतर, मतलब जब भी प्रचार के दौरान भी उनका जो भोजन था वो ग्रामीण ही रहा करता था, मट्ठा और जो उनका सतुआ जो गाँव में कहे जाते हैं वही लिया करते थे।
और कई जगह मैंने ऐसा पाया है। ठीक है, वर्तमान की स्थिति अच्छा, आज धरती पुत्र भी कहते थे और नेताजी भी कहते थे, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरे मुलायम सिंह, ये दोनों शब्दों का जी ये भी आपने प्रश्न सही किया, बड़ी विडम्बना है आज के समाज में कि नेताजी आज़ादी से पहले नेताजी कहे गए, आज़ादी के बाद केवल मुलायम सिंह जी नेताजी कहे गए, उसके अरसे बाद आज तक ऐसा कोई हमारे समाज में नहीं पनप पाया कोई ऐसा नेता पॉलिटिकल लीडर जिसको हम लोग इज्जत सम्मान से नेताजी से संबोधन कर सकें। दो के अलावा तीसरा नहीं हो पाया, तो हमारी युवाओं के लिए आपके सब टीवी चैनल के इनके माध्यम से प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम ये पूछना चाहेंगे कि आज के समाज में जो राजनीतिक कुरीतियाँ हैं बुराइयाँ हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई ऐसा कार्य करे और निकल के आए और जो उन्होंने हम लोगों को नेताजी ने जो सिखाया है जो आदर्श दिए उस पर चलने का अगर हम लोग कार्य करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि आज के दिन उनकी प्रति हम लोगों की होगी। थैंक यू। आज हमारे यहाँ शोक सभा का प्रस्ताव हमारे जो है आदरणीय परम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, उसके बारे में जो है सूचना मिली जैसे ही हम यहाँ पर शोक सभा का शोक सभा में जो है क्योंकि अपूर्णी क्षति हुई है हमारे और वो उनके लिए हम जो है आज पूरी विदाई दे रहे हैं, मान लीजिए जितना भी है उनके आत्मा के लिए शांति यहाँ भी और उनके परिजनों को धैर्य दे दी इस क्षमता को इस गरीब को निपटने के लिए। आज मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं है, उन्हें धरती पुत्र कह के लोग पुकारते थे, धरती पुत्र उनका नाम इसलिए रखा गया था, वो गरीब मजलूम हो और नीचे मतलब अगर जो नीचे वर्ग के लोगों को उनको आगे ले जाने का काम उन्होंने किया। आज वो हमारे यहाँ पर नहीं रहे, उनकी नेताजी और भाई भारत वर्ष में ही ऐसा शायद कोई नेता न पैदा हो पाएगा, उनके जाने के बाद हम भारत वर्ष के वासी सब बहुत दुख महसूस कर रहे हैं और मैं उनके परिवार और उनके प्रशंसकों को सबको कहूँगा तहर रख के और उनके लिए दो मिनट की शांति आज भवन रखें, क्योंकि हम ऐसे हमने हवन का प्रोग्राम रखा था उनकी दीक्र आयु के लिए, लेकिन वो जब खबर सुबह मेरे को मिली 8:30 बजे तो मैंने उसको फिर 2 मिनट के लिए मौन धारण के लिए ये सवाल रखी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार आदरणीय मुलायम सिंह जी के निधन की सूचना से स्तब्ध हूँ और बहुत बड़ा दुख महसूस कर रहा हूँ। एक राजनीतिक यात्रा उनकी अगर देखी जाए तो धरातल से उठकर के राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी की अपनी पहचान कराना, स्वयं की पहचान कराना, सभी दलों के नेता उनका सम्मान करते थे और वो खुद स्वयं सभी नेताओं के साथ अच्छे मधुर संबंध रखते थे, किसानों के मजदूरों के व्यापारियों के सभी को साथ लेकर के चलने वाले थे वो। ऐसे मुलायम सिंह जी का निधन एक राजनीतिक क्षति बहुत जी। मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, भारत ने एक दिग्गज नेता खोया है और उत्तर प्रदेश ने एक गरीबों का नेता, बैकवर्ड्स का नेता, SC ST का नेता, माइनॉरिटीज का नेता खो दिया है, किसानों का नेता खो दिया है, मजदूरों का नेता खो दिया है। राजनीति में बहुत लीडर आते जाते हैं लेकिन बहुत सारे कम लोग हैं जिनको उनके मरने के बाद याद किया जाता है, उनकी सादगी को हमेशा याद किया जाएगा और जब तक वो जिंदा रहे और राजनीति में रहे, चाहे वो मुख्यमंत्री 3 बार रहे या उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर रहे या मेंबर पार्लियामेंट रहे, लीडर ऑफ ऑप्शन रहे, वो हमेशा गरीबों के बीच में रहे, किसानों के बीच में रहे, मजदूरों के बीच में रहे और कभी भी उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी सादगी ही हमेशा उनके याद बन के रह जाएगी। हमारी बहुत सारी यादें हैं, विशेष रूप से जब श्री मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक सुचारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे पढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी वो इस देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।